जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो राशि क्रम के इस सिलसिले को अब हम लोग कुंभ राशि तक लेकर के आ गए हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले स्टूडेंट्स और जॉब वर्कर्स के लिए क्या स्थिति बनती है 2016 में। कुंभ राशि वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए वर्ष 2016 बेहद फायदेमंद सिद्ध होने जा रहा है। कुछ एक परेशानियों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष वर्ष आपके लिए शुभ ही सिद्ध होगा। इस वर्ष नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के प्रबल आसार बनते दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। आपको निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत में कमी नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके से हताश और निराश ना हो। आपको जरा भी हौसला नहीं हारना है। नौकरी से संबंधित किसी भी मामले में यह वर्ष आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को भी इस साल अवश्य सफलता मिलेगी। करियर में अच्छा स्टार्ट मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। अगर आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं या कॉमर्स की फील्ड से यानी चिकित्सा, तकनीकी क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र आदि से अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही फेवरेबल ईयर आपके लिए कहा जा सकता है। जो लोग वकील हैं, जज और कानून से जुड़े हुए पेशे करते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह साल मिले जुले प्रभाव लेकर के आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक मेहनत का परिणाम कम मिले तो आपको बहुत घबराना नहीं चाहिए। वक्त आने पर आपको अपने हिस्से की सफलता अवश्य मिलेगी। तो कुल मिलाकर के लिए आपके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहनत में कमी नहीं रखनी और किसी भी तरीके से निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।